अस्सलामु अलैकुम क्लास 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 11 की बेटा बात करेंगे। तो सबसे पहले डे 11 में आपने करना ये है, रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन फ्रॉम प्रीवियस क्लास। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है बेटा, बात याद रहे। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ क्लास 5 में और क्लास 6 में भी, तो आपने इसको रिवाइज करना है कि क्या मतलब होता था राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन का। जस्ट आपने रिवाइज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी पूरी डिटेल में, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होकर राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन का मतलब क्या है और हम क्यों करते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है कि अगर मेरे पास 1202 है तो मैंने इसको नियरेस्ट कर दिया है अपने 100 वैल्यू के करीब, यानी कि 1202 के करीब करीब 1200 आ रहा है। तो यहाँ क्यों मैं इसका लिंक दे रही हूँ आपको, इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास जो है, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेटर के बगैर हमें इसको एवेल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तीनों में आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, सॉल्व आपने खुद करना होगा। मैं चलती हूँ ए पार्ट की तरफ। मेरे पास है 1203 पे स्क्वायर। याद रहे बात, इस पूरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज बी में हम फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्पेशल काइंड ऑफ आइडेंटिटी यूज़ करी है, वही चीज़ें अब इसमें रिपीट होंगी। कैसे? इन डिफरेंट फॉर्म। तो हमारे पास जो ए पार्ट है वो देख लेते हैं बेटा। ए पार्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें हमारे पास 1203 पर हमारे पास स्क्वायर है, क्योंकि मैंने आपको अभी 3 टाइप्स की स्पेशल आइडेंटिटी बता चुकी हूँ, इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ आप लोगों को। मैंने याद हो तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अलग से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ इस क्वेश्चन पर। अब आप बोलोगे टीचर्स पे तो एक ही टर्म है, हम कैसे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो कोई मसले की बात नहीं है बेटा, हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ऐसे इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास 2 टर्म्स बन जाएं। कैसे बेटा? मेरे अभी मैंने आपको एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन और राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट दिया था, वो इसी वजह से दिया कि हमने इसको ब्रेक करने के लिए राउंडिंग ऑफ का सहारा लेना है। कैसे? 1203 को हम बराबर कर देंगे, 1203 को हम इक्वल कर देंगे अपने 1200 प्लस 3 में, क्योंकि आपको ये बात अच्छी तरह पता है, कि हमारे पास जो है 1203 नियरेस्ट है 1200 के। 1203 हमारे पास नियरेस्ट है किसके बेटा? मेरे, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था तो उसके ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा कह दूं बेटा, हमारे पास 1203 के ऊपर स्क्वायर है, हमने इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक करा है कि इसको 1203 को मैंने नियरेस्ट कर दिया है 1200 के, क्योंकि मुझे ऐड वाला काम करना है, तो इसलिए मैंने ऐड कर 3 लिखा है, क्योंकि 1200 में आप 3 प्लस करो 1203 बनता है। अब हमारे पास इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा वाला फॉर्मूला? दोबारा लिख दूँ मैं बेटा यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगेन हमारे पास 2 टर्म्स है, ए और बी। हमारे पास ए जो है 1200 है इस बार और बी हमारे पास 3 है। तो क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात याद रहे, ये हमारे पास फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए आपको। ये फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला है, ये हमारे पास जर्नल फॉर्मूला है। हमने इसको ब्रेक कर दिया है ए और बी टर्म में। हमारे पास ए टर्म 1200 है, बी हमारे पास 3 है। तो हमारे पास जहाँ जहाँ ए टर्म का यूज़ हुआ है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मुराद क्या है, किसका स्क्वायर है इस बार हमारे पास? 1200 प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, ए टर्म पे स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ जहाँ हमारे पास ए आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे? 1200। याद रहे ये फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, ए स्क्वायर मीन्स 1200 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का। ए हमारे पास 1200 है, भी मैंने आपको बताया था। 3 हमारे पास बी है, तो हमने यहाँ पर बी की जगह 3 लिखेंगे, बी हमारे पास 3 है तो बी की जगह 3 आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला आप इसको सॉल्व करोगे इसके स्क्वायर को, तो कोई ना कोई आपके पास टर्म यानी रिजल्ट आएगा। इसको सॉल्व करोगे आपके पास तीनों को मल्टीप्लाई करके, कोई ना कोई आपके पास रिजल्ट आएगा। इसका स्क्वायर आप सबको पता है कि अच्छी तरह 9 होता है। इन तीनों को ऐड कर कर आप अपना ईजिली अपना आंसर दे दोगे। ये मैंने आपके लिए ब्लैंक स्किप करी है ताकि आपको सॉल्व करना तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो हमारे पास है बी पार्ट में 892 का स्क्वायर। क्योंकि हमने तीनों फॉर्मूलाज इस क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं, तो याद हो तो आपको हमने जो है अपना ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद भी किया था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो आपको 892 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो हम कैसे स्प्लिट कर लेते हैं देख लेते हैं बेटा मेरे।
तो हमने यहाँ पर करना ये है कि इसको मैंने 900 के, क्योंकि 892 है, 892 किस 100 नियरेस्ट 100 वैल्यू के आ रहा है 900, क्योंकि 892 में हमारे पास जब हम 8 प्लस करेंगे, जब हम 892 में 8 प्लस करेंगे, एक मिनट बेटा ये आधा देखिएगा, 892 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास 900 होता है, याद हो। तो हमें 892 को हमने स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि माइनस का साइंस पे अप्लाई कर सकें, माइनस का फॉर्मूला। तो 900 में से जब माइनस करेंगे 8, तो हमारे पास ये वैल्यू जस्टिफाई हो रही है, और इस पे स्क्वायर है तो इसके ब्रैकेट पे भी स्क्वायर आएगा। अब अगेन हमारे पास जो है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात दोबारा कह दूँ बेटा, यहाँ पर मैंने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर मैंने प्लस का करा था, इसलिए एडिशन की स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी कि एडिशन वाली ब्रैकेट बनाया था, और यहाँ मैंने क्योंकि माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है इसलिए मैंने 900 से 8 को माइनस करा है। तो ये आपने जो है इसको जनरल फॉर्मूले को बॉक्स में करना है। अब हमारे पास जो है ये फॉर्म आ चुकी है इसकी, तो हमने a माइनस बी की फॉर्म आ चुकी है, जो कि 900 हमारे पास a है और हमारे पास b क्या है 8 है, तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। a टर्म हमारे पास क्या है बेटा, मेरे 900 है, जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ हम 900 लिख देंगे, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पर 8 लिख देंगे। तो ये आप, मुझे उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लोगे।